शुरू से शुरू करते हैं। अंकल प्रणाम। खुश रहो। अरे बेटा रोहित, तुम यहाँ कैसे? मैं वो वो दीप्ति से मिलने आया था। दीप्ति से? क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं, वो मैं ना सोच रहा था, बहुत दिन से दीप्ति नहीं है, वो भी आई है। अच्छा अच्छा, सोच रहा था मैं थोड़ा से मिलकर आता हूँ। क्या काम है? काम तो कुछ नहीं अंकल, बस मैं सोच रहा था थोड़ा उससे मिल लेता हूँ, थोड़ा पर्सनल है अंकल। अरे भाई क्या पर्सनल है? बता दूंगा, मैं आता हूँ ना उससे मिलकर। अरे बेटा सुनो तो। मैं दीप्ति से मिलकर आऊँ? सुनो तो, मैं मिलकर आता हूँ अंकल। सुनो तो, मैं आता हूँ रोहित। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ ये शर्मा जी, कैसे है भाई? बढ़िया है। बहुत बढ़िया। रोहित आए थे क्या? हाँ रोहित आया तो है। हाँ। पर जरा हड़बड़ी में था, अभी गया है घर में। हड़बड़ी में था? अरे शर्मा जी ऐसा है, वो 4-5 दिनों से यही है, और दिन भर रात भर दीप्ति 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 करते रहता है। अब मैं क्या बताऊँ, उन दोनों की दोस्ती देखकर मुझे तो यार सपना की याद आ जाती। खैर शर्मा जी चलिए मैं मिलता हूँ। देखो सुनील, अपने बच्चे पर ध्यान देना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे कैरियर बनाना है। जरूर जरूर, ठीक है, मिलते हैं शाम में। ठीक, ठीक है शर्मा जी। ठीक है, ठीक है सुनील। कैसी हो दीप्ति? ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछोगी? नहीं। नाराज हो? हाँ। पर क्यों? स्टेशन में मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, मुझे लगा तुम आओगे। अरे गया था यार, तेरे बाप को देख के मेरी फट गई, इसलिए वापस आ गया। दीप्ति समझो प्लीज। ओ बस बस बस, बहानेबाजी बंद करो और ये बताओ मेरी याद आती है कि नहीं तुम्हें? बिल्कुल नहीं। आई न्यू इट। याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूला जाता है। देखा तुम्हारा गुस्सा गायब कर दिया ना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? रोहित हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो ना। पापा से बात की थी मैंने हमारे रिश्ते के बारे में। मुझे मालूम है, तुम्हारे पापा ने मुझसे और मेरे पापा से भी बात किया था, पर मैं जानता हूँ कि वो ये रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो रोहित तुम ये भी जान लो, उनके परमिशन के बिना हम इस रिश्ते को कुछ और नाम नहीं दे सकते। दीप्ति ये लोग दुनिया देखते हैं, दुनियादारी समझते हैं, हमारी मोहब्बत हमारा प्यार कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं जानती हूँ रोहित, इसलिए मैं चाहती हूँ ये रिश्ता यहीं पे खत्म हो जाए। दीप्ति प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दीप्ति मैं जानती हूँ रोहित, बट हमारे पास कुछ और रास्ता नहीं बचा। एक रास्ता है, हम भागकर शादी कर लेते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम? कल रात 11 बजे
मैं तुम्हारे घर के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेकार की बात मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सुबह 4 बजे की बस पकड़कर हम रांची से जमशेदपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है गौरव, वो मेरी पूरी मदद करेगा। दीप्ति नहीं रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं दीप्ति, ऐसा ही नहीं होगा। रोहित मेरे पापा को बुरा लगेगा। नहीं नहीं रोहित, समझो मेरी बात। दीप्ति प्यार करती हो मुझसे? सबसे ज्यादा। भरोसा है मुझ पे? कुछ से ज्यादा। तो बस चलो। कौशल्या जरा पानी लाना। हाँ ला रही हूँ। पानी लीजिए। कौशल्या दीप्ति कहाँ है? टेरिस पे, रोहित भी उससे मिलने गया है। कहाँ? टेरिस पे? अरे और कहाँ जाएगी, आप भी ना। देखो कौशल्या। हाँ बोलिए। दीप्ति को तो हमने साफ साफ मना कर दिया है रोहित से शादी के लिए। वैसे तो मेरी बेटी समझदार है, पर फिर भी मुझे रोहित और दीप्ति का इस तरह से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब आप फिर से शुरू हो गए? आपको अपनी बेटी पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है? बेचारी पढ़ाई को लेकर कितनी परेशान है, 3 साल ग्रेजुएशन में बर्बाद की, अपने तरीके से उसे जीने दीजिए ना। देखो कौशल्या, मुझे दीप्ति पर पूरा भरोसा है, लेकिन रोहित और उसके बाप से मुझे बहुत डर लगता है। कहीं वो दोनों मेरी बेटी के दिमाग में कुछ कचरा भर दिए, बहुत बुरा होगा कौशल्या, बहुत बुरा होगा। मुझे उनका मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं कौशल्या, बिल्कुल भी पसंद नहीं, याद रखना। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं जी? आपकी बेटी बहुत समझदार है, वो जानती है उसके लिए रोहित सही लड़का नहीं है, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमें तकलीफ हो। देखते हैं। मुझ में तू, तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँ गमैना, तुझसे मुझे सब अता। मुझ में तू, तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना,
जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैं ना, तुझसे मुझे सब अता, मुझ में तू सफर में ही रहते, खत्म होता ना उम्र भर ही इश्क का रास्ता है ये बेहिसाब सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझसे मुझे सब अता, मुझ में तू रोहित कैसा है भाई? आजा अंदर आजा। कैसा है यार? बहुत बढ़िया यार, तू कैसा है भाई? मस्त। सब कुछ बढ़िया? मस्त चल रहा है यार। सब मस्त चल रहा है यार। बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद मिला यार, कैसा है तू? बहुत बढ़िया भाई। दीप्ति भाभी? दीप्ति, ये है मेरा यार, मेरा भाई गौरव। गौरव, ये है दीप्ति। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यार अंदर आओ, बैठो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठ बैठ बैठ। और बता भाई रोहित। भाई गौर, तूने तो यार घर बड़ा शानदार बना लिया है। और बस ऊपर वाले का देन है यार। लग रहा है बड़ी नोट छाप रहा है। अरे नहीं यार, धंधा चल जाता है यार। चल बढ़िया है भाई। और बता तू? बहुत बढ़िया भाई, तू कैसा है? बढ़िया, मजे में भाई। चल वेरी गुड भाई। आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं भाई। यार मैं तुम लोगों को लेने आने वाला। अच्छा भाई। यार सुबह सुबह बॉस का फोन आ गया, मुझे जाना पड़ा। हाँ, इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है भाई। ये अपना ही घर समझना। थैंक यू यार। तेरा भाई का घर है। हाँ, बिंदास रहो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों। बिल्कुल बिल्कुल, तुम दोनों के लिए हमेशा मेरे दिल में जगह है यार, बिंदास रहो। ये सब खैर छोड़ो, मैं चाय और कॉफी लेकर आता हूँ तुम दोनों। ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई। गौरव तो दिल का बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ वो दिल का बहुत अच्छा है। पर हमारे यहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत नहीं? दीप्ति तुम पागल हो क्या? गौरव मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा यार है वो, उसे क्या प्रॉब्लम होगा? दीप्ति उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और वैसे भी तुम ना ये बेकार की बातें सोचना बंद करो, तुम तो बस हमारे ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचो, हमारे अंशुमन के बारे में सोचो। अंशुमन? हाँ। ये कौन है अब? अरे हमारा होने वाला बेटा। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए।
एक बात बोलूं गौरव? बोल। तूने ना भाई मेरी बहुत मदद कर दी यार, सच्ची यार बहुत मदद कर दी, बहुत मदद कर दी। तू टेंशन मत ले, बस कल चल मेरे साथ। कहाँ भाई? अरे मेरे ऑफिस चल भाई, यू कब तक मुफ्त की रोटी इधर उधर तोड़ता रहेगा? हाँ 10-15 हजार की जॉब कर ले तू भी। अबे क्या हो गया तेरे को? अबे तेरे को मालूम था ना अपने को अपना धंधा खोलना है? तो खोल ना भाई, साला मेरा भी प्रेशर कम होगा यार। क्या हो गया गौरव तेरे को? कुछ नहीं, छोड़ पी। अबे अब क्या हो गया यार? चल चल देखते हैं। यार दीप्ति क्या कर दी यार? सॉरी यार गौरव। गौरव छोड़ना यार, गलती से हो गया भाई। यार गलती से तो हुआ है यार, जब से आए हो सिर्फ गलती और नुकसान हो रहा है मेरा। पता नहीं मैं क्यों तुम लोगों को पना दिया था यार। रोहित, मुझे ना आज गौरव का बिहेवियर बहुत खराब लगा। बड़ी खराब तरीके से बात की आज उसने। सही बोल रही हो तुम, मुझे भी ऐसा ही लगा, लगा जैसे टॉन्ट मार रहा था। इसलिए ना मैंने एक फैसला किया है कि मैं कल धनबाद जाऊंगा, अपनी सारी जमीनें बेच दूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे ना उससे अपना बिजनेस शुरू करूंगा, अपना धंधा शुरू करूंगा दीप्ति। उसके बाद साले गौरव के एहसान तले हमें दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, पर तुम एक बार सोच लो, वो हमारी आखिरी पूंजी है। हाँ लेकिन पर इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है दीप्ति। तो फिर ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ कल। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम यही रहो। तुम जाओगी तो 10 तरह की तमाशे खड़े हो जाएंगे, गांव वाले 10 तरह की बातें करेंगे, इसलिए तुम यही रहो ठीक है? पर मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी यार, समझो। अकेले? तुम अकेले कहाँ हो दीप्ति, गौरव है ना तुम्हारे साथ। वही गौरव के साथ? अरे अनकंफर्टेबल फील करूंगी यार, समझो। तुम ये सब क्यों सोचती हो? गौरव सेफ है तुम्हारे लिए ठीक है, और वैसे भी बस 2 दिन की बात है, फिर तो मैं वापस आ जाऊंगा। फिर भी रोहित, दीप्ति एक आखिरी बार भरोसा कर देखो मुझ पे। भरोसा है रोहित। दीप्ति मैं निकल रहा हूं ना। अरे रुको रुको, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, दही शक्कर तो खा के जाओ। So sweet of you. और हाँ पहुंचकर कॉल कर देना। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, ओके बाय ना। अबे रोहित। हाँ भाई। निकल रहा है क्या तू? निकल रहा है? हाँ भाई। दरवाजा क्यों बंद किया गौरव? दीप्ति आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। दरवाजा खोलो गौर गौरव। से सुनो। रांची में मेरा एक दोस्त रहता था, बिल्कुल भाई की तरह जिगरी था अपना। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, बहुत खूबसूरत, मासूम और भोली। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे।
दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि ये रिश्ते से उनके घर वाले ना खुश थे। दोनों ने एक दिन बगावत की ओर भागकर शादी कर लिया, पर मासूम लड़की ये नहीं जानती थी कि उसका पति, जिसे वो खुद से ज्यादा भरोसा करती थी, वो एक मानव तस्करी गैंग से जुड़ा हुआ था। लड़का अपनी बीवी को अपने एक दोस्त के यहां बेच देता है, और आगे की अनकही कहानी अब शुरू होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। You can't leave me alone. You are all alone, baby. अरे बेटी, ये सब क्या हो रहा है? अंकल, मैं पिछले 4 साल से सीआईडी के लिए काम कर रही हूँ। ग्रेजुएशन तो मैंने 3 साल पहले ही क्लियर कर लिया था। पिछले 4 साल से मैं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के पीछे पड़ी हुई हूँ। रोहित से भी मैंने प्यार का नाटक इसीलिए किया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि रोहित भी इस गैंग का मेंबर है। रोहित के सहारे मैं इस गैंग को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। सॉरी अंकल, रोहित पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, बट आज मेरी वजह से आप इसको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, हमें तो तुम पर गर्व है। आज तुम्हारे चलते मेरा बेटा पकड़ा गया, वरना इस गुनाह के दलदल में और डूबता चला जाता। सॉरी पापा। क्या सॉरी? हाँ, क्या सॉरी? दीप्ति, ये तूने अच्छा नहीं किया। दीप्ति, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। अबे 10 ग्राम के लौंडे हो साले, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अरे मैडम, तब तो गए साल है 10 साल के लिए अंदर। अबे 10 साल नहीं, उम्र कैद होनी चाहिए सालों को। इन सालों के लिए तो मौत की सजा भी कम है, पर क्या करे, कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। लेके जाओ इन लौंडों को। यस मैम। चल, चल। Thank you.
मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लोगों के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा गुनाह, पर हमारे अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह। 2014 से लेकर अब तक मानव तस्करी के आंकड़ों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, भारत के एक एक कोने में मानव तस्करी और बलात्कार जैसे जुर्म वायरस की तरह फैल चुकी है। इस तरह के जुर्म करने वाले मुजरिमों को ऐसी सजा होनी चाहिए कि झेलने वाले को क्या, देखने वालों की भी रोह कांप जाए।